Good morning, students. Today our topic is victims of violence and abuse. The word victims means what? The word victims means a person who suffer a violence in a life. अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर किसी वायलेंस से होकर गुजरा है, किसी प्रताड़ना से होकर गुजरा है, तो अपन उसको बोलते हैं विक्टिम। तो इस तरह के कई सारे विक्टिम होते हैं जो कि एक वायलेंस के पीरियड से निकलते हैं और उस वायलेंस के पीरियड से उनके अंदर कई तरह की डिफॉर्मिटीज, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उनको किस तरह से रिलीव किया जाए, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इन दिस वेरियस कैटेगरीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज आर फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड अब्यूज, देन सेकेंड डोमेस्टिक वायलेंस, थर्ड वन इज सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, फोर्थ वन इज एल्डरली अब्यूज। मोस्टली इन फोर कैटेगरीज के अंदर जो वायलेंस है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज मीन्स किसी बच्चे का फिजिकली और मेंटली और इमोशनली उसको टॉर्चर करना, जिसके कारण उसके अंदर मेंटल इलनेस का आ जाना या पैदा हो जाना। लाइक आज के टाइम में ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है चाइल्ड अब्यूज। बच्चों के साथ कई तरह के चाइल्ड अब्यूज होते हैं, लाइक उनको मारना, पीटना और लाइक रेप, या इसको बोल सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज। इस तरह की कई सारी चीज़ें आजकल बच्चों के साथ में देखने को मिलती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण, सेक्सुअल असॉल्ट, इन सब के कारण जो बच्चा है वो उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, प्लस वो गिल्ट की फीलिंग्स के अंदर रहना शुरू कर देता है और अपने आप को जैसे अपराधी होता है उस तरह से समझना शुरू कर देता है और उसकी लाइफ डीमोटिवेटेड हो जाती है, ना कोई उसका लक्ष्य रहता है, वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से उसको बाहर निकालना, तो सबसे पहले अपने को प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने चाहिए कि चाइल्ड अब्यूज हो ही ना, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। तो चाइल्ड अब्यूज हो ना, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो आजकल प्राइमरी स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट नर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, वो बच्चों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। टीचर्स हैं, बैड टच गुड टच। इस बैड टच और गुड टच के अंदर बच्चों को क्या बताया जाता है? प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पे अगर कोई टच कर रहा है तो बैड टच है, यहाँ पे कोई इस जगह पे टच कर रहा है तो ये बैड टच है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देने से उनको, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता, जब अपन उनको इस रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है वो चाइल्ड अब्यूज से बच सके। लाइक बैड टच किस किस टाइप का हो गया, अगर अपन बच्चे को बताएंगे, अगर लिप्स पे कोई टच कर रहा है बच्चे के तो बैड टच है, चेस्ट पे टच कर रहा है तो बैड टच है, बिटवीन द लेग्स कोई टच कर रहा है तो बैड टच है, हिप्स पे अगर कोई टच कर रहा है तो बैड टच है। पर ऐसा नहीं कि सारे पेरेंट्स भी जब जैसे बच्चे को नहला रहे हैं ये वो भी तो टच कर ही रहे हैं, बट वो क्या है बैड टच नहीं, अदर कोई पेरेंट्स के अलावा कोई अदर पर्सन है वो टच कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, तो बच्चे उस दौरान चिल्लाएं, किसी को बुला के लाएं कि ये मेरे साथ ये कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन लेने से अपन चाइल्ड अब्यूज को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर चाइल्ड अब्यूज का कोई शिकार हो ही गया भाई दिवे, तो उसको उसके प्रोग्नोसिस के लिए अपन डिफरेंट काइंड की थेरेपीज काम में लेंगे।
लाइक उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बिठाएंगे, उसका डीसेंसिटाइजेशन करेंगे, डिफरेंट काइंड की रीफॉर्मिंग कॉग्निटिव थेरेपीज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फ्री फ्लो उसके साथ उसको एनकरेज करेंगे कि बातें करने के लिए उसके थॉट्स हैं बताने के लिए उसके साथ क्या हुआ और जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसके अंदर वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उसके अंदर जो अपराधिक थॉट है, गिल्ट की जो थॉट है उसको रिमूव करना कैसे भी करके, जिससे वो बच्चा आगे जाके किसी डिप्रेशन का या साइकेटिक डिसऑर्डर का शिकार नहीं हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आवर इज डोमेस्टिक वॉयलेंस। आई थिंक ये डोमेस्टिक वॉयलेंस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है विमेंस के ऊपर। घरों के अंदर विमेंस है जो, उनके ऊपर डोमेस्टिक वॉयलेंस फिजिकली मेंटली तरह का दोनों टाइप का होता है, मोस्टली इन रूरल एरियाज के अंदर और कुछ अर्बन एरियाज के अंदर भी। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी मेन इसका रीजन है और कुछ ऐसे ट्रेडिशन भी है जिनके कारण भी ये ऐसा हो रहा है। तो उन फीमेल्स के अंदर जब उनके साथ में मारपीट है, लड़ाई झगड़ा, बैटरिंग करना, ये सारी चीज़ें उनके साथ जब की जाती है तो वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग हो जाती है, आइसोलेट होती है और बिल्कुल ही डिप्रेस होके एक नए किसी से बात नहीं करना या गिल्ट की फीलिंग उनके अंदर भी आ जाती है तथा वो अपने लाइफ को थ्रू दी सुसाइड के थ्रू वो कंप्लीट करना चाहती है कि वो ख़त्म करना चाहती है कि डोमेस्टिक वॉयलेंस के कारण। तो इस डोमेस्टिक वॉयलेंस को ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी से डोमेस्टिक वॉयलेंस ख़त्म हो सके। विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे ये डोमेस्टिक वॉयलेंस ख़त्म हो सके। और पर्टिकुलरली मेल है जो मैंस हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई वुमन है, मैन है, दीज आर इक्वली और डोमेस्टिक वॉयलेंस उनके ऊपर ना किया जाए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप। सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप ये भी एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसके अंदर क्राइम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रेप या सेक्सुअली असॉल्ट अपन लीगली किसको बोलेंगे? इसके अंदर तीन फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ फोर्स, फोर्स यूज किया हो बिना अनुमति के, जोर जबरदस्ती की हो। नेक्स्ट वेजाइनल ओरल एनल पेनिट्रेशन किया हो। थर्ड वन इज नॉन कंसेंट, नॉन कंसेंट। अगर किसी अनदर पर्सन का कंसेंट नहीं हो और विदाउट कंसेंट फोर्सफुली उसके साथ जो भी सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है उसको अपन रेप बोलते हैं। तो ये जो रेप है ये मोस्टली इसके कारण कई तरह के डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स हैं, साइकेटिक डिसऑर्डर्स हैं डेवलप हो जाते हैं। मेनली इसके अंदर एक साइलेंट रेप सिंड्रोम डेवलप होता है, साइलेंट रेप सिंड्रोम। इस साइलेंट रेप सिंड्रोम का मतलब क्या है? साइलेंटली मतलब जिस विक्टिम के साथ वायलेंस हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके साथ जो भी चीज हुई है वो उसको ओपनली या किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करता है,
अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करता है, तथा अंदर ही अंदर उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्रेशन है, जो भी फिजिकल इंजरीज हुई है, जो मेंटल इंजरीज हुई है, जो इमोशनल इंजरीज हुई है, उन सब को अपने अंदर ही रखता है, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता। इसको बोलते हैं साइलेंट रेप सिंड्रोम। और ये साइलेंट रेप सिंड्रोम होने के बाद में क्या है, कई तरह की और कोमॉर्बिड डिजीज होने के और चांसेस रहते हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, सुसाइड सबसे मोस्ट कॉमन है। तो इस तरह के साइलेंट रेप सिंड्रोम से बाहर लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो थॉट्स हैं, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस पर्सन को एनकरेज करके उसके साथ एक वेंटिलेशन, थॉट्स का वेंटिलेशन अपने को डेवलप करना पड़ेगा। एक बढ़िया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। उसको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि अपन जो भी इंफॉर्मेशन उससे ले रहे हैं वो किसी के साथ अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल अपन गोपनीय रखेंगे। और जो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग्स आई है, उन गिल्ट की फीलिंग्स को बाय द डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज और बिहेवियरल थेरेपीज, उनके थ्रू उसको बाहर निकालेंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो कंडीशन है, ये जो सिंड्रोम है, उससे वो बाहर निकल सके। लास्ट टॉपिक इज एल्डरली अब्यूज। अब एल्डरली अब्यूज का मतलब है जो भी ओल्ड एज पर्सन हैं उनको फैमिली के अंदर नेग्लेक्ट किया जाना बाई द फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स, चिल्ड्रंस, इनके थ्रू उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए उनको नेग्लेक्ट करना, उनके साथ कोई बात नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, लाइक उनको सोशली आइसोलेटेड कर देना। किसी भी कोई फैमिली गैदरिंग है, शादी है, पार्टी है, किसी के अंदर नहीं लेके जाना, एकदम आइसोलेट कर देना। डेली पर्सनल नीड, जो भी ओल्ड एज पर्सन है वो अपनी बेसिक जो पर्सनल नीड है, जैसे नहाना वगैरह कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो उनके लिए वो अपने केयर गिवर, बच्चों के ऊपर अपने टोटली डिपेंड रहते हैं, और अगर वो उनको नेग्लेक्ट कर दें तो उनका उस चीज़ का असर उनके ब्रेन पे भी पड़ता है, लाइक फाइनेंशियली डिपेंडेंसी। अगर उनको कोई भी मेडिसिन चाहिए या कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए उनको, तो उसके लिए भी उनको अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें उनको नहीं मिलती है तो भी एक उनके अंदर डिप्रेशन है या डिप्रेशन डेवलप होता है। और ये एज ऐसी होती है जिसके अंदर किसी भी तरह की डिजीज है, मेंटली या फिजिकली डिजीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फिजिकली जो ओल्ड एज के अंदर इतना साउंड नहीं होता कि वो अपनी रिक्वायरमेंट खुद चला के फुलफिल कर ले, वो हर चीज़ के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था एल्डरली अब्यूज, और आज का अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और ये यूनिट भी। थैंक यू वेरी मच।